मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रदेश व्यापी नशा विरोधी अभियान के तहत नीमच जिला पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया एवं एसडीओपी जावद सुश्री नीलेश्वरी डाबर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जावद निरीक्षक जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में चौकी प्रभारी नया गाँव रामपाल सिंह राठौर की टीम के द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी एवं नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत कुल 1 क्विंटल 84 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा व महिंद्रा बोलेरो पिकअप क्रमांक MP43ZF9102 सहित एक आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। दिनांक 9 अगस्त 2024 की शाम अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ व नाकाबंदी हेतु नीमच निबाहेड़ा हाईवे 4 लेन तुलसी होटल के सामने कानका फंटा पर मुखबिर सूचना पर अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा महिंद्रा बोलेरो पिकअप क्रमांक MP43ZF9102 से नीमच से राजस्थान तरफ जाने वाला है को आते देखा, जिसको हमराह फोर्स की मदद से रोका व नीमच निबाहेड़ा हाईवे 4 लेन तुलसी होटल के सामने ग्राम कानका मार्ग यातायात अवरुद्ध होने व खराब मौसम तथा सुरक्षा की दृष्टि से संदेही वाहन महिंद्रा बोलेरो पिकअप क्रमांक MP43ZF9102 की तलाशी पुलिस चौकी नया गाँव परिसर में चेक करते स्लेट पेंसिल की पेटियों के नीचे स्किम में 8 सफेद प्लास्टिक के कट्टों में कुल 1 क्विंटल 84 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा को NDPS एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों का पालन करते हुए वाहन के चालक आशिफ पिता रशीद घोचा जाति मियागढ़ मुसलमान निवासी मुल्तानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश के कब्जे से जब्त कर मौके से गिरफ्तार कर वाहन चालक के विरुद्ध धारा 8/15 NDPS एक्ट के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। उक्त कार्यवाही में पुलिस टीम नया गाँव का सराहनीय योगदान रहा। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।